नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आपने भगवान श्री कृष्ण जी के तो बहुत से मंदिर देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां पर भगवान बलराम जी का मंदिर बना हुआ है। आइए उसके पुजारी से जानते हैं यहां पर मंदिर बनने की कहानी। बहुत साल पुराना है मंदिर, तो कम से कम हो गए 200 साल पुराना हो गया। 200 साल पुराना कब से? 200 साल मंदिर ठीक है। तो बलभद्र का जो मंदिर है और भी है पर कहीं? वैसे बलभद्र जी का तो यही मंदिर है और एक मथुरा के पास में। एक मथुरा के पास है। हाँ, मतलब भारत में दो मंदिर है और एक वो जगन्नाथ बताते हैं कि जगन्नाथ में भी है। अच्छा, एक जगन्नाथ में भी है। हाँ, और एक ये कोटा सिरमौर गांव पड़ता है, कोटा में सिरमौर, वो बैठा हुआ मुंद्रा में है। तो वहाँ है जो बलराम जी है बैठे हुए हैं। हाँ, वो बैठे मुंद्रा में, बैठे हुए मुंद्रा में। जो खड़ी हुई मुद्रा में अपने ढोलरा गांव में है। हाँ, एक ढोलरा में है और एक मथुरा में, मथुरा में है। वो काले रंग में, वो काले रंग में ये यहाँ पर ये एक चौड़े रंग के है। ठीक है। तो ये जिसके जब महाभारत का काल का युद्ध हुआ था तब उस समय दाऊ जी से पूछा था कि भाई इसमें आपको किसी पक्ष में, बोला भाई मेरे को किसी पक्ष में जाना है, तो फिर वो अपना चल दिया थे। तो ये फिर चलते जब पूछे तो सर कृष्ण लुप्त हो गए थे, लुप्त होने वाले। फिर इसके बाद में ये मूर्ति यहाँ पर 4-5 गांव थे, तो 4-5 गांव से कुछ लोग मिट्टी लेने आते थे, चिकनी मिट्टी की पहले घर होती थी, तो लिपाई के चक्कर में तो बहुत गंगा हो गया था। तो फिर इसके बाद में कस्सी यहाँ लग गई थी, थोड़ा खून निकल रहा था, टांग लगी फिर वहाँ खून लगी। तो फिर इसके बाद में वो डर गया है बंदा, डरने के बाद थोड़ा सा क्या होगा, क्या कोई होगा समझो महसूस होगा कहीं लोग, तो खून बंद ही नहीं हो रहा था। तो फिर उसने कच्चा लस्सी डाला उसके पास में, और फिर जब घास से खुदाई करी तो फिर वह मूर्ति ली। तो दो मूर्ति थी, तो एक जल्दी से लुप्त हो गया और एक को एकदम से उठाए, तो उसको उठाने से उससे पहले ये मन पर है बट। हाँ, फिर उसके बाद बर में रख दिया। फिर एक बनिया जी थे जगह क्या कहते हैं जगाधरी पंजन बंसीलाल, तो अभी भी छोटी रेल चलती है उसकी, तो उसके संतान नहीं था उसके पास में। फिर उसके बाद में उसके सपने में महाराज जी आए, कहता मेरा मूर्ति है वहाँ पर और आपका संतान हो गया, मेरी मूर्ति की स्थापना कर दो। उसने सोचा जब हमारे भगवान जी अगर हमारे सपने में आया, हमको यदि अच्छी दृष्टि दिखा रहा है, तो क्यों ना इस मूर्ति को ले जाकर जगह में हम लोग स्थापना करते हैं। तो बैल एक घोड़ा गुड्डी जोता होता था, बैल होता था, तो उसको ले आके और बस बता करते रहे। ये गैसपुर पर था, छोटा सा पुलिया है, तो वहाँ पर एकदम से दोनों के दोनों अंधे हो गए, तो खूब जोर लगाया हमने पर जाने का, अंधे हो गए दोनों। तो फिर आकाशवाणी से हुई, तो बोला ऐसा मेरे को तो यही स्थापना कर दो बिल्कुल, और आप मुझे वहाँ रहेंगे, आपको वहाँ पर बढ़िया धूमधाम से पूजेंगे, बढ़िया उत्सव करेंगे आपका साल। तो बोला मुझे कोई उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ यहीं पे, मैं जहाँ निकला हूँ वहीं रहूँगा, मैं वहीं रहूँगा, जहाँ निकला मैं वहीं रहूँगा। अब मुझे जाने के, तब से आज से ये पहले ही चल रहा है। तो अब मेला कब है सर इसका? इसका 22 को है, 22 अप्रैल को। हाँ, और हमारे कुछ बच्चे लोग हैं 20 तारीख को जगराता भी रहते हैं। ठीक है, मतलब मंदिर एक दिन या दो दिन पहले? हाँ, 2 दिन पहले, क्योंकि एक दिन हमारा रेस्ट करेंगे हमारे बच्चे, फिर उसके बाद तैयारी भी करते हैं बिल्कुल, तो इसलिए 1 दिन पहले हमारे 2 दिन पहले हमारे चिरात्र फोरम करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।